वो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। सर इंदु प्रकाश मिश्रा जो कभी सपा में थे, अब उन पर भी आरोप लग रहे हैं। इसीलिए महेंद्र नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके साथ ऐसी घटना होना ये जांच का विषय है और पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है, साधु संत सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था, क्या कहीं किसी चीज को लेकर के परेशानी थी। तो ये सब सच्चाई तभी बाहर आएगी जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। सर जांच में अगर सपा नेता का नाम सामने आते तो क्या आप सपा अध्यक्ष के तौर पर समर्थन करेंगे इस बात का और जांच का सहयोग करेंगे? आप महिला होकर के बार बार सपा का नाम ले रही हैं, सरकार किसकी है? और सुनने में यहाँ तक आ रहा है जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलने जा रहा था। अगर ये सच्चाई है, अगर वो मानसिक रूप से परेशानी थी तो आखिर क्या कारण था, ये हाई कोर्ट की सिटिंग जज जांच करेंगे, उसमें सच्चाई बाहर आ जाएगी। सर क्या लगता है कि जो मैं जो हमारी पार्टी और साधु संत और कई लोगों से बातचीत करने के बाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होना से ही सच्चाई बाहर आएगी। पुलिस पर भरोसा नहीं है जी? सिटिंग हाई कोर्ट के जज जांच करेंगे तो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जांच क्या विषय है, जांच के बाद ही पता लगेगा कि साजिश क्या थी इसमें। आप बुलडोजर वाली बात कह रहे थे तो क्या सरकार से किसी तरह की उनको कोई परेशानी थी, कोई बात सुनी आपने? सुनने में आ रहा है कि वो कई दिनों से लगातार मंत्री वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलना चाहते थे और ये अरे यार भाई कुछ चीजों को लेकर के उनमें तनाव रहा होगा जो सुनने में आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट के जज के माध्यम से जांच होगी, हर पहलू को जब देखा जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। थैंक यू।